नाजिया, सबसे पहले जो आजकल की बच्चियां हैं, देखें फेसबुक पे पिक्चर्स लगाना और मॉडल बन जाना, और आप जब प्रोफेशनल फील्ड में आते हैं, जब आप काम करते हैं, बहुत फर्क होता है, ठीक है ना। दूसरा, एक फिल्टर लगा के आपको खूबसूरत बन जाता है, ठीक है ना। जो मैं देख रही हूँ फिल्टर लगा के फिल्टर और आप रियल में देखो तो मतलब हंसी आती है। एक चीज है सबके लिए, वो ये मैसेज है कि देखें सबसे पहले ना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, आपके लिए बेस्ट क्या है, और ये कि आप किस फील्ड में अच्छे हो। Hi, this is Nazia Malik and you're watching Entertainment 360 और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सिम। मेरे साथ आज जो मेहमान है ये बहुत ही वर्सेटाइल है, बहुत सारे एक वक्त में काम कर रही होती हैं। आई मस्ट से शी इज़ अ बायोनिक वूमन, क्योंकि इतने सारे काम करना एक जो है पर्सनैलिटी के लिए बड़ा मुश्किल होता है। बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल, साथ में आपको ये बताएं कि अपना खुद का कुकिंग शो भी करती हैं, और अपनी कुकिंग भी करती हैं, वीलॉगिंग भी करती हैं, होस्टिंग भी करती हैं, एक्टिंग की थोड़ी सी की लेकिन बहुत अच्छी की। आई वुड लाइक यू टू मीट जिया खान। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच नाजिया कि आपने इनवाइट किया। एनी टाइम एनी टाइम। मैंने इसलिए कहा कि भाई एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गई, साथ साथ ट्रैवलिंग भी बहुत करती हैं। yes. और ये भी एक बड़ा काम होता है कि आप इतनी सारी चीज़ें मैनेज करें और घर भी अपना खुद संभाल रही होती। बिल्कुल, ये भी बीइंग अ सिंगल पेरेंट, आपने अपने जो है बहुत ज़्यादा अपने घर का भी बहुत ख्याल रखा, आपने मैनेज की चीज़ें, ये बड़ा एक होता है कि आपने हर चीज़ को लेकर चलना। हम आते हैं आपकी मॉडलिंग फील्ड से। पहले जब शुरू शुरू में जब मॉडलिंग बहुत ज़्यादा की, अभी तो बहुत कम कर दी आपने, लेकिन उस वक्त बहुत मॉडलिंग की, मीडिया में कैसे आना हुआ था और अपने आपको मॉडलिंग फील्ड में क्यों लेकर आई? अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना। अक्सर लोगों से आपने सुना होगा कि जी जब मैगजीन या हम कोई देखते थे बाहर, कोई बिलबोर्ड लगा हुआ होता था ना, होर्डिंग वगैरह, तो कहते थे यार काश मेरी पिक्चर कब आएगी यहाँ पे। तो सेम मेरी भी वही सिचुएशन थी कि मेरे घर पे अखबार जहाँ आता था, तो उस वक्त ये होता था कि मेरी भी पिक्चर मैगजीन्स पे आए, ये बिलबोर्ड्स पे, और इधर मैं भी मतलब फेमस हो जाऊँ ना, मतलब टीनेज होती है, अपना बच्चा पढ़ रहा होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही था कि मुझे भी आना है किसी दिन, मैं भी खवातीन राजेश के कवर पे आऊँ। तो अच्छा, अम्मी से बात करते थे कि अम्मी इस तरह हैं, तो फौरन डांट पड़ जाती, नहीं बस लड़कियां शादी होकर घर जाएं और उसके बाद जो करना हो शादी के बाद करना। तो अच्छा, आप ये सुनते रहते थे ना, अब अपने घर जाओ तो करना, ये भी जल्दी हो गई थी, बहुत जल्दी हो गई थी ना। फिर यही हुआ कि मेरी शादी हो गई, तो उसके बाद फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता डरते डरते अपने हस्बैंड को बताया कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी। उन्होंने कहा तुम्हारी जो ख्वाहिश आते हैं मैं पूरी करूँगा, ठीक है, कुछ भी नहीं। इत्तेफाक ऐसा हो गया कि मैं एक शादी में गई, उस वक्त मेरे लंबे लंबे बाल होते थे सिल्की, और जाहिर सी बात है एक वो टाइम ऐसा था। तो वहाँ पे एक फेमस वो थी, हमारी मॉडल थी शगुफ्ता नाज ना, तो वो वहाँ पे आई हुई थी। तो उसने एक इंडियन आर्टिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट शनाज हुसैन, बहुत बड़ा नाम है मेकअप आर्टिस्ट का, तो उनका फ्रेंचाइज ली थी पाकिस्तान में, कराची। अच्छा। में तो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मेरी अम्मी से कहा, वो मेरी रिलेटिव भी लगती हैं, तो उनसे कहा अम्मी से कि मैं ना इसको एज ए मॉडल लेना चाह रही हूँ, मैंने अभी सलून लिया है शनाज हुसैन का, तो बी माई मॉडल ना। तो मैंने कहा इसी बात करो भाई, इसको ही बड़ा शौक है, यही करेगी। मुझसे कहा कि बस सही है, तुम आ जाओ मेरे स्टूडियो और हम शूट करते हैं। मैं चली गई भाई बड़े खुश। तो उसने मुझे मेकअप किया और मुझे साड़ी पहना दी, और मैंने कभी नहीं पहनी थी साड़ी, ज्वेलरी पहनाई, साड़ी पहनाई, और फिर मेरा फोटो शूट हुआ। उसने अपने सलून में वो पिक्चर्स लगा दी, और उसके बाद जब उसके कोई सलून आता देखता ये कौन है, उसने कहा जी ये मॉडल जिया है। तो उन्होंने कहा अच्छा ये हम इसके साथ शूट करना चाहते हैं। इस तरह वहाँ से मैं कनेक्टेड होते होते प्रोग्राम्स में चली गई और मॉडलिंग भी स्टार्ट कर दी। इतनी पतली थी ना, बहुत दुबली पतली, जीरो साइज आता था, और माशाल्लाह से अभी भी बहुत प्यारी है। लेकिन सो होता है ना कि आपका एक बहुत एक यंग एज होती है, और आप भी जिस फील्ड में होते हैं, जैसे मैं मॉडलिंग करती थी तो उसमें जीरो साइज चाहिए होता था, आप टॉल हो, आप बिल्कुल जीरो था उसका, क्या नहीं 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 नेचुरली बिल्कुल कंट्रोलिंग था, कंट्रोलिंग नहीं, मुझे लगता है कि एज के साथ साथ एक तो आपका वेट भी पुट ऑन होता है, सेकंडली ये कि उस वक्त बस एक पैशन था, बस खाना पीना नहीं होता था, बस घूमना फिरना और ये सारी चीज़ें, तो बस फिर मैं वो जब मॉडलिंग में गई तो फिर तो बंदा इतना पैशनेट हो जाता है, फिर तो अपनी फिगर का अपनी स्किन का इतना ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, ये ड्रामे में क्यों नहीं आया? हालांकि अपने ड्रामे किए पर वो कहते हैं कि बस दिल नहीं लगा, भाग नहीं 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 ड्रामा से मैं भाग गई, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मुझे चांस नहीं मिला या मुझे अप्रोच नहीं किया डायरेक्टर्स ने, बिल्कुल ऐसा हुआ। मैं ऑडिशन भी दिए, पास भी किया,
लेकिन पता है क्या, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है उसमें, ये कि आप पूरा दिन जो है ना, मतलब 12 आवर्स आपको देने ही होते हैं, और मैं क्योंकि यहाँ पे अपने बच्चों को देख रही थी और फिर इतना टाइम नहीं दे सकती थी, और मॉडलिंग में ये था कि आपका शूट अगर वन डे है, बच्चे छोटे भी थे, बच्चे छोटे थे ना, बड़े हों छोटे हों, लेकिन ये कि अगर कोई एक पेरेंट देख रहा होता है, उसको लुक आफ्टर कर रहा होता है, तो फिर ये कि इतना टाइम नहीं दे सकते थे। मुझे मैंने सैक्रिफाइस वहाँ बच्चों के लिए किया ना। जी जी बिल्कुल। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा था जो एक ड्रामा किया उस पर भी? मैंने एक थिएटर भी किया, उसका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा, और वो जो ड्रामा किया वो भी बहुत अच्छा था, और एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा, और मुझे एक्टिंग करने में भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं एक्ट नहीं कर सकूं, लेकिन नहीं, अच्छी कर ली, अच्छी एक्टर बन सकती। अच्छी शायद। बाकी ये जो जो आपकी जो कुकिंग फील्ड है, इसमें कुकिंग इंसान एक अच्छा शेफ ऑलरेडी होता ही होता है, लेकिन जिया में मैंने चीज़ देखी है, जिया बहुत डिफरेंट चीज़ें बनाती है, बहुत अलग किस्म की कुकिंग है, ये क्रिएटिविटी कैसे आई, कुछ शौक था या चीज़ें पढ़ती हो कैसे? एक्चुअली नाजिया, मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है ना, तो मेरा फोकस जो होता है, एक तो एक्सप्लोर करना कि मैं जहाँ पे भी जाऊँ वहाँ की नेचर और वहाँ चीज़ें एक्सप्लोर करूँ, सेकेंडली मुझे वहाँ का ना कुकिंग भी, वहाँ की स्ट्रीट फूड जो होता है ना, सीखती भी हूँ। जैसे कि मैं थाईलैंड गई तो उनका थाई फूड जो है, जैसे आराम से मैं उनका जो सूप होता है तुम यम सूप, और उनका एक पपाया सैलड जो होता है सुमताम, वो, और इस तरह की और बहुत सारी डिशेज मैंने सीखी, वन डे क्लासेस ली। इस तरह वियतनाम गई, वहाँ उनकी वियतनामी, वहीं पे सिंगापुर गई, वहाँ पे वन डे क्लास ली। तो मैं क्या करती हूँ, अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेती हूँ, और फिर मैं जहाँ जाती हूँ ना, तो वहाँ जैसे अमेरिका गई तो मैंने मैक्सिकन फूड सीखा, वो भी वन डे क्लास ली, उसमें मैं 3-4 डिशेज हमें बता देते हैं, तो फिर मैं आके कुछ पाकिस्तानी डिशेज के साथ मिला के ना, फिर कोई फ्यूजन कलेक्शन बना लेती हूँ, क्रिएटिविटी कर लेती हूँ, तो इस तरह से। और इनफैक्ट मैंने थाईलैंड में जो कार्विंग होती है ना आपके फूड पे, सैलड्स पे, फ्रूट्स पे और वेजिटेबल्स पे, कार्विंग करना भी सीखी कि किस तरह से उसको डेकोरेट कर सकते हैं। पहले प्रैक्टिस में थी तो वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन ये कि अभी भी अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस और करूं, अच्छा क्लासेस ले लेकर फिर आपको आइडिया हो जाता है कि आपने कैसा, क्योंकि हर किस्म का खाना, कबाब आप इनके हाथ के खा लें, वाओ, इनके हाथ का सूप पी लें, सैलड खा लें, मतलब नेम इट। आपने कोई भी एक दफा ये लेकर आई थी, वो बनाना कौन सा था, पम्पकिन सूप? नहीं, बनाना का कुछ एक मीठा था, अच्छा बनोफी पाए, बनोफी पाए, दैट वाज अमेजिंग, मतलब मैंने पहली दफा उस जिंदगी में खाई थी, पहली दफा मैंने खाई तो मुझे बहुत इनके हाथ की अच्छी लगी। अच्छा, तो अपना अपने YouTube चैनल भी बनाया था, वो क्यों कर दिया, बंद क्यों कर दिया अपना फूड वाला? तो व्लॉगिंग वाला तो चल ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। फूड कहाँ पे बंद था? एक्चुअली जब ड्यूरिंग पेंडेमिक, जब कोविड आया ना, तो सब घर पे थे, अब समझ में नहीं आ रहा था कि घर पे क्या करें, क्योंकि घर पे बैठने वाले है नहीं हम लोग, तो कुछ ना कुछ काम तो करना है, तो मेरे घर पे एक रूम था, मैंने स्टूडियो बनाया, और बस कुकिंग, तो रोजाना कुछ ना कुछ खाना तो होता है, वहाँ से कुकिंग चैनल स्टार्ट किया। अच्छा, वो बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन फिर कुछ हुआ, उसमें साथ प्रॉब्लम्स ही आ गई कि ज़ाहिर है हम जब काम कर रहे हैं तो मोनेटाइजेशन भी होनी चाहिए ना, आपको अर्निंग भी होनी चाहिए, तो हुआ ये कि कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आ गई थी, जिसकी वजह से मोनेटाइजेशन रुक गई थी मेरी। जब वो रुक गई तो मुझे लगा, मैं बहुत डिसहार्टेंट हो गई ना, मुझे लगा कि यार मैंने एक डेढ़ साल की मेरी मेहनत और अर्निंग शुरू हो गई, और ये क्या हो गया मेरे साथ ना, तो फिर मैंने ब्रेक दे दिया लंबा ना। इसके बाद फिर मैंने कहा नहीं जिया, कोई बात नहीं, दोबारा स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने दोबारा अपना चैनल बनाया, फिर उस पर काम कर रही हूँ आजकल, ट्रैवलिंग, फूड, और ये जो है ना लेट टीवी बाय जिया खान, LAT लेट, तो लाइफ स्टाइल, इंटरटेनमेंट एंड टेक्नोलॉजी। तो अब मैं ओवरऑल सब कुछ कह रही हूँ, आप देख रहे हैं वो, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही है। और अब इस चैनल में क्या क्या चीज़ें लेकर आई हो? इस चैनल में मैंने कहा ना कि लाइफ स्टाइल है, इंटरटेनमेंट एंड टेक्नोलॉजी। तो मेरा लाइफ स्टाइल इस तरह से हो गया कि मुझे ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में भी सवाल करेंगे, लेकिन तो फिर सबने मुझे कहा कि तुम्हारे पास इतनी बातें हैं करने की, ट्रैवलिंग के इतने किस्से कहानियाँ हैं, तो तुम ट्रैवलिंग व्लॉग क्यों नहीं बना लेती भाई? तुम जहाँ जाती हो वीज़ा कैसे हासिल करती हो, और ट्रैवल कैसे करती हो, बजट ट्रैवल कैसे करते हो, इसमें बहुत लोग पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो फिर मैंने ट्रैवलिंग व्लॉग बनाना शुरू कर दिया।
उसमें साथ साथ कुकिंग भी आ जाती है, ठीक है ना। और इसी तरह से अगर कोई टेक्नोलॉजी पे बात करनी होती है तो हम वो भी दिखा देते हैं कि जी ये टेक्नोलॉजी आई है, ये चीज़ें हैं। और इसी तरह वो फिर एक बहुत सारी चीज़ें इस पर हमारे ब्लॉग में चल रही होती है साथ साथ। बहुत अच्छा है, बल्कि इनके साथ मैंने ट्रैवलिंग भी की है बहुत अच्छा। कहते हैं ना किसी ट्रैवल कर लें तो आपको पता चल रहा है वो शख्स कैसा है। बाकी जिया के बारे में बता दूँ कि बहुत अच्छा और सुकून वाली ट्रैवलिंग इनके साथ होती है। हम लोग इन्जॉय बहुत मजा आया, बहुत करते हैं, मस्तियां भी बहुत हो रही होती है। अच्छा, पाकिस्तान में जो ट्रैवलिंग है पहले नहीं करती थी, आहिस्ता आहिस्ता शुरू की और हमारी वजह से ज्यादा शुरू कर दी है। तो कैसा एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में ट्रैवलिंग का? अच्छा, एक चीज मैं और बताऊं अपने व्यूवर्स को और आपको भी, शायद पता नहीं आपसे बोला या नहीं बोला कि आपको देखकर पाकिस्तान मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया सीरियसली, क्योंकि ये पहली दफा बताया। क्योंकि नाजिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और हम लोग मिलते हैं अक्सर, हम लोग मुलाकात होती है, लेकिन जब मैं इसका देखती थी ना कि जब देखो पहाड़ियों पे पहुंची हुई है, आप शहरों पे पहुंची हुई है, कभी चित्राल कभी गिलगित। तो अच्छा, मैं सीरियसली मैं मुल्क से बाहर मैं 19-20 कंट्रीज देख चुकी हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, लेकिन पता है क्या, मैं पाकिस्तान डरती थी, मुझे सब डराया हुआ बहुत था। लेकिन जब मेरी आपसे बात हुई ना, आपने कहा नहीं रास्ते इतने अच्छे हैं जिया, कुछ भी नहीं होता, साथ चलो। तो फर्स्ट टाइम फिर मैं आपके साथ निकली चित्राल। गिलगित जा चुकी थी, वो बाय एयर गई थी, बाय रोड से मुझे डर लग रहा था। लेकिन ये कि मैं पर्सनली भी, थैंक यू सो मच आपने बात शेयर की। और मेरा जो मकसद होता है ना ट्रैवलिंग का, वो यही होता है कि जो दुनिया में लोग इस वक्त देख रहे हैं वो शायद मुझे देख के कोई ना कोई जरूर आए। भी मैं जिस तरह चिलम जोश उधर गई हुई थी चित्राल में, जिनका इवेंट होता है, तो कई वहाँ पे लड़के मुझे मिले। अच्छा, मैम हम आपको देख कर आए। मैंने कहा कि आपका वो पिछले व्लॉग आपने कहा था आप आ सकते हैं तो हम भी आ सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने कहा तो क्या बात है, मैंने कहा कि तो हमें नहीं पता होता हमें देख कर कितने लोग आते हैं, कितने लोगों को पहाड़ पे फायदा होता है। अच्छा बताओ वहाँ की तुम्हारी फील कैसी थी, तुम्हें क्या फील होता था वहाँ जाकर? सीरियसली ऐसा लग रहा होता था कि आप हवाओं में उड़ रहे हैं। और जैसे अब यहाँ का वेदर होता है ना, थकन होती है, आप लेजी हो जाते हो, आपका दिल नहीं चाहता, और वहाँ भागती दौड़ती फिरती रहती थी, मतलब दिल चाहता था उड़ने लगो। और इतना सुकून, इतनी खूबसूरती, मतलब नेचर, अगर नेचर लवर है ना तो बस फिर तो आप पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया पे निकल जाएं, घूमें फिरें। ब्लॉगिंग का भी बहुत अच्छा, वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, खाने भी बहुत मजे मजे के, वो तो हमने देखा ही है ना वहाँ पे। सब कॉपरेट कितना करते हैं नाजिया, क्योंकि हम, मैं ये मेरा मकसद भी ये था और नाजिया का भी यही है कि पाकिस्तान की जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है ना उसको प्रमोट किया जाए, क्योंकि लोगों को लगता है कि जी नहीं पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, रोड ऐसे हैं, और पता नहीं हम वहाँ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फंस ना जाएं, लैंडस्लाइडिंग। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, फोरकास्ट देखें, वेदर देखें, टाइम देख कर जाए ना, हर चीज ऐसे नहीं, पूरी प्रॉपर प्लानिंग से। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी करो तब भी मैं कहती हूँ आपने जरूर वेदर देखना। मैं नाजिया यही करती हूँ, मैं बिल्कुल हर चीज अपनी आइटनरी बिल्कुल डे बाय डे बनाती हूँ, टू डू लिस्ट होती है मेरी, मैं पूरा प्रॉपर प्लान करके जाती हूं। अच्छा, अब इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के हवाले से कहाँ कहाँ गई और कौन सा मुल्क तुम्हें बहुत मजा आया हो जहाँ पर? अच्छा देखो, सबसे ज्यादा अगर मैं बताऊँ ना, मुझे जहाँ जाने का शौक था दो जगह, यूरोप में मुझे स्विट्जरलैंड जाने का शौक था, और मुझे यूएसए अमेरिका देखना था। मतलब होता है ना बचपन से इंग्लिश मूवीज देखते थे, हाय मैं एलए कब जाऊंगी, वेगस कब जाऊंगी, मुझे जाना है वहाँ की नाइट लाइफ, डे लाइफ नाइट लाइफ, मतलब इतना शौक था। लेकिन जो मेरा फर्स्ट ट्रैवल था ना इंटरनेशनल, वो मेरा हुआ था थाईलैंड का। तो जाहिर सी बात है थाईलैंड भी मुझे इतना खूबसूरत लगा, वहाँ के लोग और वहाँ का फूड, आई लव थाई फूड, बहुत बहुत मजेदार, वॉकिंग सीन, बिल्कुल बहुत लाइवली है, बहुत हैपनिंग प्लेसेस हैं वहाँ पे, बहुत मजा आता है। तो थाईलैंड, उसके बाद जो है फिर जब सिलसिला शुरू हुआ तो फिर सबसे पहले तो ईस्ट अपना ये एशिया साइड फिर मैंने कवर किया, जिसमें सिंगापुर था, हांगकांग था, और फिर फिलिपाइन था, और वियतनाम आ गया, कंबोडिया आ गया। तो फिर पहले ये वाला साइड, उसके बाद फिर जैसे जैसे वीजे लगते गए तो फिर यूके भी गए, यूरोप भी गए, यूएस भी गए, और इंडोनेशिया भी, बाली बहुत खूबसूरत जगह है, बाली भी बहुत अमेजिंग है। और एक और मेरा अला ख्वाहिश पूरी कर देकर जिंदगी रही तो वो ये था कि मैं जब छोटी सी थी ना तो मैं बड़ी वो फैंटेसी वर्ल्ड ही होता है उसमें रहने वाली थी, डिज्नी मूवीज देखनी होती थी मुझे, तो डिज्नीलैंड जाना है तो अच्छा डिज्नीलैंड। अच्छा, एक तो होता है ना डिज्नीलैंड जाना, मेरा ये था कि मुझे जितने भी दूरी दुनिया के है ना
सब देख सब देखने अच्छा सबसे पहले हाँ देखा ना जब मैं सबसे पहले की हांगकांग तो मैं गई बच्चों को लेकर ना तो पूरा डिज्नीलैंड देखा मुझे बहुत मजा आया बहुत मजा आया जरा बच्चों के साथ था थोड़ा मैंने कम एंजॉय किया लेकिन ये कि बहुत मजा आया बहुत एंजॉय किया मेमोरीज है बिल्कुल दुनिया में कुछ आया तो कर सारे कार्टून कैरेक्टर्स के साथ खुद भी कार्टून बन के पिक्चर्स ली तो मतलब बहुत मजा आया और उसके बाद जो है फिर मैंने सोचा अब मैं बच्चों के साथ नहीं अब मैं अकेले जाऊंगी तो उसके बाद जो सेकंड मैंने देखा उधर का पेरिस का फिर मैं जब पेरिस गई हाँ पेरिस गई और वो पेरिस 8 to 12 सुबह 8 बजे गई रात को 12 बजे उनका फायरवर्क होता है रात 12 बजे फायरवर्क के लिए क्योंकि उस वक्त मैं फायरवर्क नहीं देख सकी थी सेकंड वो देखा फिर थर्ड मैंने यूएसए का देखा ऑरलैंडो में जो पूरा है डिज्नी वर्ल्ड जो है इनका और डिज्नीलैंड वो देखा और यूनिवर्सल स्टूडियोज भी सारे देख चुकी हूँ मैं अब बस मेरा जापान का एंड चाइना का रह गया ये होता है कि इंसान जब ट्रैवलिंग कर रहा होता है तो उसको उसकी एक फील अलग आती है कहते हैं जितनी उन्होंने ट्रैवलिंग की है शायद अब अपना एक मकान बना लेती नहीं हो सकता वो चीज़ें भी नहीं मैं कहती हूँ समटाइम्स आप आपको जो फील है ये चीज़ें बननी होती है बन जाती हैं लेकिन वो आज अपना जो है ना वो आपको ये एक्सपीरियंस बाहर निकल सकते हैं अच्छा काम करते वक्त जब आप काम कर रही हैं और मतलब आप स्पेशली जब मॉडलिंग कर क्या क्या हिंड्रेंसेस फेस की उस वक्त देखें वही बताया ना पहले अगर मैं करती तो पेरेंट्स की तरफ से होता ना लेकिन मुझे मेरे लिए अच्छी बात ये थी कि एक ही मुझे जो प्रॉब्लम आई वो ये आई थी कि थोड़े बच्चों की सपोर्ट के लिए लेकिन मेरी अम्मी हर वक्त तैयार रहती थी मेरी बहन तैयार रहती थी जो कि बच्चों को देखती थी बाकी ये कि और फैमिली की तरफ से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी ठीक है हस्बैंड अच्छे हों आपके सपोर्टिव हों तो फिर वो हमेशा आपके साथ रहते हैं बिल्कुल उन्होंने मुझे ट्रैवलिंग से कभी नहीं रोका मुझे काम करने से नहीं इनफैक्ट अभी भी वो तैयार बैठे कि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर दूँ लेकिन ये कि आप यहाँ पर अकेले संभाल रही होती हैं वो हस्बैंड जो है वो होते हैं वियतनाम में ना इसलिए मैंने इनको सिंगल पेरेंट बोला कि यहाँ सब चीज़ें सारी है वो क्योंकि वियतनाम में और यूएस बेस में होते हैं तो यहाँ कम चक्कर लगता है तो मुझे सारा खुद ही करना होता है मैनेज लोग ये समझेंगे सिंगल पता नहीं सिंगल हाँ ये भी होता है हाँ बता दूं पहले से कि इनका इसलिए कि यहाँ पे सब चीजें खुद ही करना पड़ता है बच्चों को देखना घर को देखना काम को देखना इसलिए फिर जो है मॉडलिंग भी आपने थोड़ी सी कम कर दी अपने ही काम को आपने ज्यादा प्रेफर किया और होस्टिंग भी होता है कि जरा ज्यादा टाइम नहीं लगता टाइम नहीं होता ना मैं मॉर्निंग में जाती थी और फिर आ जाती थी इवनिंग में तो वो इतना टाइम नहीं लगता इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता अच्छा ये बताओ कि फील्ड में कैसे लोग ज्यादा मिले कौन से लोग ऐसे लगा कि बहुत ज्यादा आपको नेगेटिव कर देते हैं अच्छा मैं हर फील्ड में देखें अच्छे बुरे लोग होते हैं लेकिन हमें जो एक होता है ना कि सुना हुआ होता है बचपन से कि नहीं ये फील्ड बहुत ख़राब है हर लड़की ख़राब होगी मॉडलिंग में आप जा रही हैं हर लड़की मेरी भी अम्मी ये कहती थी कि बल्कि कहती थी पहले अब तो नहीं खैर उनका पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया वो ये कहती थी तुम भी मीडिया में चली गई हो पता है क्या वहाँ पे सबकी तलाकें हो जाती हैं जिसको देखो उनकी ना शादी टूट जाती है और वो किसी एक की नहीं होती है अब तुम चली गई हो ना अब देखना तुम्हारी भी नहीं रहेगी अम्मी ये क्या बात हुई मतलब इससे मीडिया का ये मॉडलिंग का कहता नहीं नहीं सब ऐसे कहते हैं खानदान में सब ऐसी बातें होती हैं मैंने कहा नहीं प्लीज प्लीज हाँ अम्मी डरती थी कि नहीं नहीं अपना घर देखो ऑफर आई ना से कि कोई लोग जो ऑफर कर रहे होते हैं गलत किस्म की हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ एक बहुत बड़ा चैनल है बहुत एक बड़ा चैनल है वहाँ पे मैं गई बड़ा अच्छा प्रोग्राम तो उन्होंने मेरा आधार है सबसे पहले होता है आपका आप पोर्टफोलियो देखते हैं पोर्टफोलियो देखकर उन्होंने बुलाया उसके बाद उन्होंने कहा जी आपका ऑडिशन होगा ऑडिशन भी क्लियर फिर उन्होंने कहा अच्छा आप बैठे हैं बात बात करने लगे फिर कहते हैं अच्छा और बताइए आप क्या क्या कर सकती हैं मैंने कहा मैंने आपको बता तो दिया और क्या कर सकती हूँ मैं और मतलब क्या बताऊँ आपको ना अच्छा नहीं हाँ नहीं नहीं अच्छा मतलब फ्रेंडशिप कर लेंगे आप मैंने कहा फ्रेंडशिप मतलब ऐसा है कि आपको थोड़ी फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे ना कुछ हाँ प्रोजेक्ट्स नहीं हमारे पास इन्वेस्टर्स हैं जो कि मतलब आप इन्वेस्ट करेंगे तो फिर मैं एक कॉल करूंगा ना तो गाड़ी आ जाएगी और आप बस जाएं घूमें फिरें और वो आप इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद प्रोग्राम्स आपके मैंने कहा ये क्या मतलब हुआ मतलब कहते हैं देखिए सभी ऐसे ही करते हैं ये अभी आप आई हैं अभी नाना कर रही हैं 5 साल बाद आप ये सभी कुछ कर रही होंगी मैंने कहा इसका क्या मतलब हुआ
कहते देखें अभी आप बिल्कुल नई नई आई हैं, आपको ये सारी चीजें नहीं पता, मैं आपको समझाता हूँ। दोस्ती करना चाह रहा था या वो किसी नहीं, वो किसी और की तरफ फॉरवर्ड करना चाह रहा था, इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट जी मैडम प्रोड्यूसर था ना वो, तो उसने कहा जी मैं अभी कॉल करूंगा, जी एक कॉल करूंगा, एक गाड़ी आ जाएगी तो फिर जो है आप चली जाएं, आप देखें फिर उसके बाद क्या होता है, सब चीज सब ऐसी चेंज होती है जी, ऐसे नहीं होता कि आप स्टेप बाय स्टेप जा रही है, बहुत टाइम लगेगा, पता नहीं कब आप जाओगी, अभी मैं कॉल करूंगा और आप फिर देखना लाइफ चेंज। लड़कियों से चीज पूछती हूं, कहते हैं कि हर फील्ड में ये चीज, हर फील्ड में है, मैं यही तो बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि मीडिया बदनाम है, नहीं नहीं देखें हर जगह तलाकें होती हैं, हर फील्ड में अच्छे बुरे लोग होते हैं, बात यह है कि आप खुद कैसे हैं। नाजी अगर आप खुद अच्छे हो ना, आप शट अप कॉल दोगे तो अगला बंदा दोबारा हिम्मत नहीं करेगा, ठीक है। और अगर कैसे देनी चाहिए, देखो आपने मतलब उस वक्त कैसे शट अप कॉल दी, मैंने तो खैर बहुत गलत बात बोली थी क्या मुझे बोलना नहीं चाहिए। हुआ ये था कि मैं उसकी बेटियों से मिली हुई थी, उसकी दो बेटियाँ थी ना, तो वो मुझे कहने लगा कि मैं तुम्हारी जगह होता ना, मैं लड़की होता ना, मैं तुम्हारी जगह होता, मैं अभी एक्सेप्ट कर लेता, मतलब मैं वो फ़ौरन ऑफर ले लेता, और काश मैं लड़की होता, तुम तो पता नहीं क्या सोच रही हो और क्यों नहीं कर रही। मैंने कहा आप लड़की नहीं है ना, लेकिन आपकी दो लड़कियाँ हैं, ठीक है उनसे करवा लीजिएगा ये काम। मैंने ऐसे बोल तो दिया, लेकिन फिर मैंने कहा यार मैंने ज्यादा बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है मेरी नजर लुटी है तो अपनी बता, दूसरों की बेटियों का लिहाज नहीं कर रहा था, तो मैंने की बेटी का लिहाज कर, हाँ बस पता नहीं क्यों मुझे एकदम से मैंने इस तरह बोला, हाँ इस किस्म की बात, और दूसरी हर बात पे मैं लड़की होता मैं तो कभी नहीं छोड़ता, मैं तो फौरन ही कर लेता एक्सेप्ट, मतलब तुम लड़के तो भी तुम जाके कर लो, तुम्हें जो करना है करो, ठीक है, लेकिन तो बस मैंने फिर यही बोला, फिर मैंने कहा नहीं सॉरी मुझे नहीं करना बस डन। अच्छा शेमफुल बात होती है, वो बंदा वैसे भी कहाँ गया है, जिंदगी में है या मतलब वो कहीं जिंदगी में नहीं है, जिस चैनल पे था अपनी जिंदगी में है, जिस चैनल पे था वैनिश हो जाते हैं ना ऐसे लोग, नहीं 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 जिस चैनल पे था अभी तक है, उसकी प्रमोशन हो गई, वो बहुत अच्छी पोस्ट पे प्रमोशन हो गई है, उसी चैनल पे है, वहीं पर ही है, और वो यकीनन वहाँ पता नहीं क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन ये कि चलो जहाँ रहे खुश रहे, और बाकी ये कि देखिए सबसे नेक हिदायत दे, और दूसरी बात ये कि देखें एक चीज़ मैं समझती हूँ नाजिया कि कुछ लड़कियों ने भी हमारी फील्ड ख़राब की है, ठीक है ना, वो ऐसे कि कुछ लड़कियाँ होती हैं जो कि बहुत ईजीली हर चीज़ पर मान जाती हैं, लेकिन जैसे आप एक मैं नॉर्मली एग्जांपल देती हूँ कि एक बंदा कह रहा है यार तुम टीवी पे आओगी मीडिया पे आओगी फ्री में आ जाओ, मतलब नहीं नहीं पैसे नहीं हैं इसमें बस तुम आ जाओ, तो वो लोग कहते हैं ठीक है हम चार्ज नहीं करेंगे बस ठीक है हम स्क्रीन पे आना चाहेंगे, तो उससे होगा ये कि जैसे फेसबुक की हर लड़की मॉडल मॉडल मॉडल, उससे होता ये कि जो हम लोग डिमांड करते हैं या हम लोग चार्ज करते हैं वो कहते हैं जी हमारे पास तो लड़कियाँ हैं फ्री में, स्क्रीन पे आ रही है ना काम मिल रहा है ना, काम मिल रहा है आगे वो पैसों वाले काम भी लेंगे, उनको ये फायदा होता है ना, वो कहती है एटलीस्ट हम इन तो रहे ना स्क्रीन पर आउट ना हो, ज्यादा फायदा हो रहा होता है, ये मैंने कुछ नहीं बोल सकती ये मैंने बोल सकती है कि शायद वो कोई गलत काम ज्यादा उनको पैसे मिल जाते हैं कि फ्री में काम कर, बिल्कुल अगर आप स्क्रीन पर होंगे तो बेसिकली अगर आप स्क्रीन पे होंगे तो आपकी डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी तो आप भी डिमांड ज्यादा कर सकते हो, क्लाइंट ज्यादा मिलेंगे आप भी डिमांड ज्यादा कर सकते हो, इशारा आप समझ सकती है, अकलमंद को इशारा काफी होता है बिल्कुल, और ये वाली चीज जो है हमने देखी है कि फ्री में काम जो लड़कियां कर रही होती है ना उनके कुछ ना कुछ जो है ना कोई मतलब मिसाल जरूर होते हैं, तो हम लोगों का काम भी खराब कर रही होती है ना आगे से, हाँ मैं कहती हूँ आप थोड़ा ले लो, लेकिन थोड़े में मसला आ जाता है, थोड़ा लो तो वो उनकी मार्केट में बात फैल जाती है, तो भाई कम में भी काम कम में भी ये भी होता है, उनकी वैल्यू वो समझते गिर रहे हैं, तो खैर ये एक बड़ी कहानी है, बहुत काम है, इसी वजह से कई लोग जो टैलेंटेड है वो बैठे रह जाते हैं, जो टैलेंटेड नहीं है वो लोग कहीं से कहीं निकल जाते हैं। अच्छा अच्छा वाकयात तो बहुत सारे हैं, मतलब इतने ज्यादा हैं, लेकिन मैं एक दो चीजें बताती हूँ, जैसे टर्की में हम जाते हैं तो वो बड़े स्कैम होते हैं, तो बल्कि जो ऑडियंस भी देख रही है उनको भी बताऊंगी, तो बहुत ख्याल रखना पड़ता है टर्की में, आप अपना वॉलेट हाँ मैं बताती हूँ, जैसे अपना वॉलेट आपने संभाल के रखना है, अपनी सारी जो भी वैल्यूएबल चीजें वो बहुत ख्याल। अच्छा होता यह है कि यहाँ पे लोग क्या होता है पागल हो जाते हैं क्लब के पीछे, अगर तो वो गए हैं टर्की या कोई ऐसी जगह जहाँ पे क्लबिंग बहुत ही कॉमनली आप कर सकते हैं, आप जा सकते हैं क्लब तो चले जाते हैं, उसके बाद फिर वहाँ पे लड़के लड़कियाँ आपके दोस्त बन जाते हैं, फौरन आके आपको घेर लेते हैं, ये क्लब्स में होता है, थाईलैंड में भी होता ठीक है, हाँ ये स्कैम वहाँ पे भी होता है। अच्छा
लेकिन टर्की में मेरे साथ ये हुआ, मैं अकेली थी ना, क्योंकि मेरा मोस्टली ट्रैवल अकेले होता है। तो मैं क्लब में, तो पहले हुआ ये कि मैं ग्रैंड बाजार घूम फिर रही थी ना, ठीक है, वहाँ पे जो भी मिल रहा, अच्छा आप कहाँ से हैं कहाँ से हैं, तो जी मैंने कहा पाकिस्तान से, ओह पाकिस्तान सीरियसली, ये वो ब्ला ब्ला बातें तारीफ़ें, और उसके बाद कहते हैं कि अच्छा आप अकेली हैं, हम आपको कंपनी देते हैं। मैंने कहा ओके चलें। अब वो बंदा मुझे ले गया, घुमा फिरा रहा है, ठीक है जी ड्रिंक, फिर कहते हैं पार्टी में चलते हैं, अच्छा तकसीम स्क्वायर पे बहुत सारे क्लब्स वगैरह हैं, अच्छा वहाँ ले गया, और उसके बाद फिर अब ड्रिंक दे रहा है। मैंने कहा मैं तो नहीं ड्रिंक करती, मुझे नहीं करनी। उसने कहा नहीं नहीं कुछ तो ले लो ये वो। अच्छा मैंने, मेरे जहन में था कि भाई स्कैम भी होते हैं वो। अच्छा बैग में ना मैं सिर्फ 100-200 लीरा रख के गई थी, ज़्यादा नहीं। अच्छा फिर मैंने कहा स्कैम भी हो सकता है ना, तो मैं गई, मैंने कहा अच्छा मैं खुद लूँगी काउंटर से ना, मैं काउंटर पे गई, मैंने एक रेड बुल ली, ठीक है, मैंने कहा वो भी पैक्ड, देख ली के खुली भी तो नहीं है, वो मैंने पी ली। अच्छा उसके बाद घूम फिर कर हम लोग आ गए, और उसके बाद मैंने कहा ओके बाय बाय मैं अपने होटल जा रही हूँ। तो कहता नहीं मैं भी आपके साथ होटल जाऊँ। हाँ मैंने कहा मेरे साथ क्यों, वह है? तो कहता है इसलिए कि आपने तो कल चले जाना फ्लाइट है, हम लोग रात को साथ ही रहेंगे। मैंने कहा क्यों मेरे साथ रहोगे, भाई जाओ अपने होटल, रात के 2 बज रहे थे और वो छोड़ ही नहीं रहा था ना कि मतलब पार्टी से इतने मुश्किल से निकली। मैंने कहा मैं जा रही हूँ। उसने कहा नहीं। मैंने कहा नहीं। फिर उसके बाद जब मैंने उसको कहा नहीं नहीं इस तरह क्यों होटल, आप अपने जाओ, तो कहते नहीं नहीं मैं होटल जाऊँगा। मैंने कहा कि मैं क्या करूँ। मैंने कहा, मैंने उसको सख्ती से जब मना किया तो उसने कहा ओके गिव मी 5000 लीरा, आई स्पेंड यू मनी 5000। सर व्हाट, मैंने देखा उसको, अब मैं समझ गई कि अब तो ये गड़बड़ है। कह रहा मुझे 5000 लीरा दो फिर जाओ। अब मैं डर गई ना, मैंने कहा क्या करूँ। मैंने कहा ओके, मेरे पास अभी पर्स दिखाया, मैंने कहा मेरे पास पैसे ही नहीं है, होटल चलो मैं तुम्हें देती हूँ। कहते हैं अच्छा ड्रॉप में होटल, तो मुझे लेकर गया वो होटल छोड़ा। मैंने कहा क्या करूँ क्या करूँ। मैंने ऊपर गई, मैंने मेरे जो बैग में था 100 लीरा ना, मैंने टेबल पे फेंके और मैंने कहा ये लो और जाओ, दफा जाओ। मैंने कहा शट अप कॉल दी, मैंने कहा जाओ, मैं जाके रूम में ना जल्दी से कुंडी लगा के बैठ गई। मैंने कहा हाय अभी आए ना अभी आए ना, फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ, होटल वालों ने उसको भगा दिया उस बंदे को। पैसे से जान नहीं छोड़ी इस तरह से? नहीं नहीं मैंने नहीं दिया ना। अच्छा नहीं दिया। जो मेरे बैग में 100 लीरा, उसने 5000 मांगे थे, मतलब 5000 जो थे वो, हाँ हाँ मैंने वो फेंके टेबल पे और भाग गई अपने रूम में ना। मैंने कहा नहीं मैं तो मैं नहीं दे सकती। फिर वो भागते होटल वालों से, मैंने सुबह पूछा और मैंने कुंडी लगा ली, मैंने कहा ऐसा ना हो कि वो अंदर आ जाए। फिर बाद में जो है ना, फिर पता चला मुझे कि होटल वालों ने कहा नहीं हमने उसको निकाल दिया था, शोर मचा रहा था, हमने उसको निकाल दिया था क्योंकि ये हमारी होटल की बात है, रेपो खराब होती है। मुझे लगा मिले हुए ना होटल वाले, कोई भी आपको गाइड, टूरिस्ट गाइड बनने की कोशिश करे, आपको कहे कि मैं आपको ये दिखा दूं, किसी से बात ना करें। बिल्कुल। दूसरी एक और चीज ये भी होती है कि ये जो है जिसमें आप कह रहे थे ना ड्रिंक, अगर आप उनको कहती ना हाँ ड्रिंक का, ड्रिंक को मिला के दे देते हैं, कहते नहीं वो आपको सबसे महंगी ड्रिंक जो 50,000 जी जी ये भी होता है, बिल्कुल होता है, वो लेकर आते देन दे बिल देते हैं, बिल जी बिल देते हैं। ये इनके साथ ना ऐसा ये ही चीज था, मेरे फ्रेंड्स के साथ भी हुआ है कि वो बिल दे दिया और ड्रिंक आ रही है और कोई पूछ नहीं रहा, उसके बाद बिल आ रहा है 50,000 का। ये थाईलैंड में होता है, प्लीज मुझे ड्रिंक पिला दें, ड्रिंक पिला दें, आप उनको कहें ओके फाइन, आप ले सबसे महंगी वाले उनकी ना मिले हुए होते हैं, आप मिले हुए होते हैं। इसलिए मैं कहूंगी प्लीज, मैं तो कहूंगी पहले तो क्लब ही ना जाएं, मैं तो बड़ी खिलाफ हूँ कहीं पर भी किसी भी कंट्री में क्लब जाने के, मैं बहुत खिलाफ हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि मैं कहती हूँ जाओ घूम फिर कराओ, एंजॉय कर कराओ। और तीसरा कि किसी से वहाँ पे ना बात ना करो, बिल्कुल किसी कोई स्ट्रेंजर से आप बात ना करो। आपके यहाँ तक कि मैंने कई इलाकों में यूरोपियन जगहों पे सुना है कि पैसे लोग लेकर भाग जाते हैं, आपके लगेजेस लेकर भाग जाते हैं, तो प्लीज हैव टू बी वेरी वेरी। तो मेरे फ्रेंड के साथ हुआ, वो क्लब से एक जो वहाँ पे उसको दोस्त मिल गई थी, उसको लेकर तो आ गया अपने रूम में, चलो बैठ के हम ड्रिंक करते हैं, वो लड़की भी आ गई, हम ड्रिंक करते हैं। उस लड़की ने जो ड्रिंक में मिला के दिया वो सुबह उठाए, लेकिन जो उसकी रिस्ट वॉच थी वो ही पता नहीं कितनी महंगी थी, उसकी रोलेक्स की रिस्ट वॉच, उसका वॉलेट सब गायब था, लड़की भी गायब। अब ढूंढ लो उसको, ठीक है। फिर अगर आप गलत चीजों में जाओगे तो गलत का गलत ही अंजाम होगा। तो बहुत ख्याल से मैंने इस एक्सपीरियंस से ये सीखा कि ठीक है आप जाएं, लेकिन बस किसी से बात नहीं करें, कोई आपकी वाली बात कि आप अकेले घूमें। आई थिंक योर ओन कंपनी इज द बेस्ट। मेरा भी यही कि मैं बिल्कुल अकेले घूमती हूँ। और एक बार इसी तरह एम्स्टरडेम में हुआ कि मैं अकेली थी, तो वो हॉप एंड हॉप ऑफ बस जो होती है ना, उसके ऊपर मैं बैठी हुई थी और पूरा एम्स्टरडेम घूम रही थी। तो मैंने सेल्फी ली अपने, जैसे ही पिक्चर ली ना, मैंने देखा पीछे से एक लड़की ने अपना यूं चेहरा निकाल के ऐ करा, ये क्या, मैंने उस पर देखा पीछे से, कह रही हाय आर यू फ्रॉम इंडिया, लड़की थी, लड़की ना, तिलक विलक लगाई हुई थी।
कहते हैं आर यू फ्रॉम इंडिया, मैंने कहा ना, क्योंकि हमारे लोग ऐसे होते हैं ना कि मोस्टली लोग कहते हैं कि वे आर यू फ्रॉम, या आर यू फ्रॉम इंडिया, तो वो कहते हैं ओ, फिर एकदम से ना हिंदी पे आ गई ना अपने उर्दू पे, ओ मैं तो अच्छा इंडिया से हूँ, मैंने कहा ओ ग्रेट, मैंने कहा पाकिस्तान से, बड़ी खुश हुई, कहती है मैं तो अकेले आई हूँ, मैंने कहा मैं भी अकेले, कहते चलो 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 हम लोग साथ घूमते फिरते हैं, हम ये वाला एरिया देखते हैं वो वाला एरिया, मैंने कहा नहीं थैंक यू, मेरी तो अभी हम इस एरिया में जाते हैं, ये रेड लाइट एरिया है, ये बहुत अच्छा है, ये वॉकिंग स्ट्रीट है, मैंने कहा नहीं नहीं थैंक यू सो मच, मेरी जो है ना अभी बस है और मुझे ना यहाँ से पैरिस जाना है, तो बस में जाऊँगी, बाय बाय कर दिया। बस एक दफा हो गया उसके बाद फिर आप लड़की पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकती, किसी पे भरोसा ना, बिल्कुल ऐसे। अच्छा बहुत अच्छी बातें रही आपके साथ, बड़ा एंजॉय किया और ट्रैवलिंग के बारे में पता चला, साथ में मॉडलिंग के बारे में भी। अब कुछ नए लोग आने वाले होते हैं इस फील्ड में, सोशल मीडिया के हवाले से या उनको मॉडलिंग के हवाले से क्या मैसेज दो? देखिए नाजिया, सबसे पहले जो आजकल की बच्चियाँ हैं, देखें फेसबुक पे पिक्चर्स लगाना और मॉडल बन जाना, और आप जब प्रोफेशनल फील्ड में आते हैं, जब आप काम करते हैं, बहुत फ़र्क होता है, ठीक है ना। दूसरा फिल्टर लगा के हर कोई खूबसूरत बन जाता है, ठीक है ना, तो मैं देख रही हूँ फिल्टर लगा के फिल्टर और आप रियल में देखो तो मतलब हंसी आती है। चलो खैर वो आपका एक शौक़ है, मैं भी ऐसा नहीं है कि फिल्टर नहीं लगाती, बिल्कुल पिक्चर लेती हूँ, लेकिन हाँ एक चीज़ है सबके लिए, वो ये मैसेज है कि देखें सबसे पहले ना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं, आपके लिए बेस्ट क्या है, और ये कि आप किस फील्ड में अच्छे हो, ठीक है ना। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो फिर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच जिया, बहुत अच्छा लगा बातें करके, मुझे भी बहुत अच्छा लगा राधे यहाँ के, और जिया के हवाले से हम जान सकते थे लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम आगे और शो को नहीं लेकर जा सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू सो मच जिया आपके शो में, वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कीप वॉचिंग वॉइस ऑफ सेंस।